good morning all of you. today we will discuss about okay, how to create a link of a file in the google drive. generally what will happen, we have the requirement of a file. if the file size is very big, then we cannot send that particular file through the whatsapp or through the gmail. then what we can do, then there is another possibility, very simple possibility. Okay, जस्ट क्रिएट ए लिंक ऑफ द फाइल इन द गूगल ड्राइव मीन्स हमारे लिए हमारे कॉलेज के अंदर आजकल जो डिफरेंट एक्टिविटीज होती है उन डिफरेंट एक्टिविटीज के बारे में हमें फुल डिटेल की जरूरत पड़ती है हमें स्टूडेंट से भी वो एक्टिविटी की डिटेल लेनी पड़ती है डिफरेंट जो हमारे स्टाफ मेम्बर होते हैं उनसे भी हमें फाइल लेनी पड़ती है तो लेकिन फाइल का साइज बड़ा हो जाता है उसमें डिफरेंट फोटोज होती हैं उनके डिफरेंट डाटा होता है डिफरेंट रिसर्च पेपर की फाइल होती है अगर उनको सारी फाइल्स को इकट्ठा कोलेबरेट करते हैं तो है दोबारा है। डाउनलोड करें तो उसमें ज्यादा समय लगता है हमारे कॉलेज के अंदर आगे जाके नेक की इंस्पेक्शन भी होगी तो नेक की इंस्पेक्शन के दौरान प्रेजेंटेशन के दौरान हमें डिफरेंट टीचर्स का डिफरेंट स्टूडेंट्स का जो डाटा चाहिए अगर हम पूरी फाइल को ओपन करते हैं वहां पे तो हमें प्रॉब्लम आती है अगर हम हमारे पास एक लिंक हो तो लिंक को देखने में ज्यादा डाटा यूज नहीं होता हम लिंक के ऊपर क्लिक करें क्लिक करते ही मान लीजिए कोई टीचर की फुल एक्टिविटीज हमें दिखानी उसकी कोई डिटेल उसने बना रखी है अगर वो हमें कोई लिंक प्रोवाइड कर दे तो लिंक के ऊपर हम क्लिक करें क्लिक करते ही सामने उसका फोल्डर आ जाए फोल्डर के अंदर उसकी डिफरेंट फाइल्स होंगी हम जिस भी फाइल पे क्लिक करेंगे उसकी सारी एक्टिविटीज हमें दिख जाएंगी तो मिस जो ये लिंक है ये हमारे लिए ज्यादा जरूरी है तो प्रॉब्लम ये आई हमारे सामने कि जब हमने डिफरेंट स्टूडेंट्स से डाटा मांगा तो स्टूडेंट्स ने ये कहा कि सर हम लिंक कैसे क्रिएट करें हमें नहीं मालूम कुछ एक हमारे स्टाफ मेंबर्स को कहा तो उन्होंने कहा कि सर ये लिंक कैसे क्रिएट करते हैं हमें इसका नहीं पता कि लिंक कैसे क्रिएट किया जाता है मैंने भी अपने किसी दूसरे फ्रेंड से ही ये चीज सीखी थी कि लिंक कैसे क्रिएट किया जाता है तो लर्निंग हम कभी भी कर सकते हैं तो बड़ा सिंपल है इसके अंदर तो आपको इसमें सिंपली करना क्या है सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल आप क्या करेंगे एक वर्ड की फाइल लेंगे आप जस्ट क्या करेंगे कि आप अपने डेस्कटॉप पे जाएं या डिफरेंट जॉब की डिस्क होती है सी डी e, देखो ये राइट साइड में इधर आप यहां पे जाएं कहीं पर भी जहां पे भी आपके पास कोई वर्ड की फाइल है या पुरानी या न्यू वर्ड की फाइल आप क्रिएट करें फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वर्ड की फाइल है उसके अंदर जो कुछ आपको टाइप करना है वो आप कर सकते हैं बड़ी आराम से फॉर एग्जाम्पल देखो ये वर्ड की फाइल है देखो देखो मैंने मैंने क्लिक किया आपके सामने ये वर्ड की फाइल थी इसमें जो भी भी कुछ कुछ हमें टाइप करना करना था था कर दिया जितना भी कुछ करना था, मेरा बायोडाटा डालना मान लीजिए कुछ भी हमें डालना था कोई रिसर्च पेपर की डिटेल डालनी है वो हमने इसके अंदर डाल दी डालने के बाद आप देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखो यहाँ पे ऊपर आप क्लिक करें तो ये आपका सेव हो जाता है पूरा मैटर क्लियर हो गया उसके बाद आप क्या करेंगे कि अगर आपकी जो फाइल है आपने न्यू बनाई है तो देखो यहाँ पे फाइल लिख रखा है देखो लेफ्ट साइड साइडो यहाँ पे ये फाइल इसके ऊपर आप क्लिक करें क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा आता है सेव एज आप सेव एज के ऊपर क्लिक करें जैसे आप सेव एज के ऊपर देखो ऐसे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको इसको सेव कहां पे करना है देखो जैसे आ गया दिस पीसी तो ये आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी मर्जी है कि आप इसको कहाँ पे मान लीजिए मैंने डेस्कटॉप ही कर दिया तो डेस्कटॉप पे करेंगे तो वहां पे जाके जो भी आप नाम रखना चाहें थे यहां पर नाम उस फाइल का जैसे मैंने रख दिया आर्टिकल कॉलेज मैगजीन तो ये उसी नाम से क्या हो जाएगी वहां पे जाके सेव हो जाती है तो आप सेव के ऊपर क्लिक कर दें और ये फाइल वहां पे जाके क्या हो जाएगी इट गेट सेव तो वहां पे जाके ये सेव हो जाती है क्लियर हो गया तो उसके बाद अब हमें नेक्स्ट क्या करना है कि फाइल हमारी बन चुकी है तो ये फाइल हमारी बनने के बाद अब हमें गूगल ड्राइव के अंदर जाके इस फाइल को क्या करना है इसे वहां पे जाके हमें सेव करना है तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ गया आपका कि अब हम इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि देखो ये हमारे पास गूगल जो क्रोम है देखो नीचे जो गूगल क्रोम लिख रखा है देखो ये गूगल क्रोम को हमने यहां पे ओपन किया इसमें अब हमें क्या करना है आपको अपनी जीमेल खोलनी है तो देखो राइट में यहां पे लिख रखा होता है जीमेल ये सभी को आपको पता है जीमेल पे जाए तो इसमें जो भी आपकी मेल है आप उसके ऊपर क्लिक करें अगर आपकी नहीं है तो देखो यहां पे यूज अनदर अकाउंट इसपे आप क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद यहां पे आप अपना टाइप कर देंगे देखो सबसे पहले यहां पे आप टाइप करेंगे देखो जो भी आप लेना चाहें आपकी मेल वो ले लेंगे उसके बाद आपका जो भी पासवर्ड होगा आप इसमें टाइप कर देंगे फिर देखो आपकी जीमेल इस टाइप से ओपन हो जाएगी जब जी मेल ओपन होती है तो इसमें देखो ये राइट में देखो ये नाइन डॉट्स जो दिख रही है आपकी नाइन डॉट आप इसके ऊपर देखो ऐसे क्लिक करें क्लिक करते ही साथ देखो ये काफी चीजें आती हैं जैसे गूगल रिसर्च मैप यूट्यूब प्ले न्यूज जी मेल मीट चैट ये देखो यहाँ पे ये ड्राइव दिख गया आपको आप सिर्फ क्या करें ड्राइव के ऊपर क्लिक करें तो जैसे आप ड्राइव के ऊपर क्लिक करेंगे तो मान लीजिए आपके जो गूगल ड्राइव आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं फर्स्ट टाइम तो आपके यहाँ पे देखो मेरे इसमें काफी फाइल दिख रही है वहां पे आपके कोई फाइल नहीं दिखाई देगी फिर आपको न्यू फोल्डर हमारे लिए बनाना है तो ये माई ड्राइव के अंदर जाए माई ड्राइव देखो, देखो ये यह यहाँ पे दिख रहा है आप इस माई ड्राइव के ऊपर ऐसे क्लिक करें और यहाँ पे एक ऑप्शन है देखो न्यू फोल्डर आप इस पे क्लिक कर दें और यहाँ पे आप इसको नेम कर सकते हैं आप टाइप कर ले जो भी नाम आपको चाहिए जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने आपके लिए नेक से रिलेटेड हम चाहते हैं तो आप इसके ऊपर एन डबल ए सी नेक और मान लीजिए अभी हमने इसी में मांगा है उसके बाद आप इसके ऊपर क्रिएट कर दें अब आप ध्यान से देखें देखो ये नेक मेरे पास तो देखो ये और भी काफी सारे फोल्डर हैं तो इनमें से एक फोल्डर ये आ गया देखो नेक ट्वेंटी ट्वेंटी टू आप क्या करेंगे आप इसके ऊपर देखो ऐसे क्लिक कर दें दोबारा से ये फोल्डर आपका यहाँ पे खुल गया अब खुलने के बाद अब क्या करेंगे आपके पास यहां पे लिख रखा है देखो ड्रॉप फाइल आप किसी भी फाइल फाइल को कहीं से कॉपी करें जैसे आपके पास जो पहले फाइल थी वर्ड की फाइल आप उसके ऊपर कॉपी कर सकते हैं देखो जैसे आप राइट क्लिक करते हैं वहां पे जाके तो राइट उस फाइल के ऊपर जो वर्ड की फाइल आपने बनाई थी या जो भी फाइल आपने बनाई है जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे और उसको यहां पे जाके क्या कर देंगे आप पेस्ट ये आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि जो आपका ये फोल्डर खुल गया था इसमें देखो राइट right क्लिक करें देखो मैं क्या कह रहा हूं जो ये फोल्डर खुला हुआ है यहीं पे जाके आप इस पे राइट right क्लिक करें राइट right क्लिक करने से देखो ये लिखा गया न्यू फोल्डर फाइल अपलोड फाइल फोल्डर अपलोड जो भी कर रहे हैं मान लीजिए हमें फाइल अपलोड करनी है तो फाइल अपलोड के ऊपर आप क्लिक कर दें देखो मैंने क्लिक कर दिया ऐसा करने के बाद देखो ये पेज ऐसे आ जाएगा तो इसमें देखो ये राइट में देखो इधर दिस पीसी थ्री डी ऑब्जेक्ट डेस्कटॉप करना है तो मैंने डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक कर दिया क्योंकि मेरी फाइल थी तो इधर देखो ये डिफरेंट पेज आ गए इसमें देखो मैंने वो फाइल जो बनाई थी देखो ये रा आर्टिकल इस टाइप से इसके ऊपर आप क्लिक करें तो ये आर्टिकल कॉलेज मैगजीन देखो मेरे को ये करनी है ये देखो डिफरेंट फाइल्स दिख रही हैं आपको यहाँ पे जो भी आपको करना है आप उसको सेलेक्ट करें आप मल्टीपल फाइल्स को भी देखो इकट्ठा सेकेंड थर्ड फोर्थ मान लीजिए मल्टीपल फाइल इकट्ठी आपको वहां पे सेव करनी है उस फोल्डर के अंदर जो उन्हें बनाया तो आप इकट्ठी देखो ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं या एक करनी है तो उसी के ऊपर आप क्लिक कर दे मान लीजिए आर्टिकल वाला मैंने इस पे क्लिक कर दिया फिर आप यहाँ ओपन ओपन है यहाँ पे देखो ओपन इसके ऊपर आप क्लिक कर दें ऐसा करते ही साथ आप ध्यान से देखें आपका जो माइ ड्राइव था वहां पे देखो ये अपलोड होनी स्टार्ट होगी तो लिखा आ गया वन अपलोड कंप्लीट देखो इस से तो ये फाइल आपकी उस फोल्डर के अंदर आ चुकी है अब आप दोबारा से क्या करेंगे आप देखो ये जो फाइल है देखो ध्यान से देखें अगर आप ये चाहते हैं कि जो आपने फोल्डर बनाया था नेक 2022, 23 पंडित एनआरएस जी सी रोहतक अगर आप चाहते हैं इसमें सिर्फ इसी फाइल को आपको अपलोड करना है तो देखो इसी फाइल के ऊपर जाएं और इसके ऊपर जाके आप राइट क्लिक करें देखो मैं दोबारा से बताता हूं मैंने क्या कहा ये जो फाइल है इसके ऊपर जाके मैंने राइट क्लिक किया राइट क्लिक करते देखो कितनी सारी चीजें यहाँ पे देखो लिखी आ गई है लिखी आ गई ना इनमें से आपको क्या करना है आपको करना है गेट लिंक देखो ये गेट लिंक जो लिखा है मैंने गेट लिंक के ऊपर देखो ऐसे क्लिक कर दिया ध्यान से देखेंगे आप अब गेट लिंक के बाद उसके बाद देखो नीचे लिखा है रेस्ट्रिक्टेड मीन्स अगर मैं लिंक किसी को दे भी दूंगा तो वो देख नहीं पाएगा कुछ तो मैंने इस रेस्ट्रिक्टेड पे देखो क्लिक किया और यहाँ पे आ गया एनी वन विद द लिंक आपको एनी वन करना है क्योंकि जो भी आप फाइल हमें देंगे वो आगे नेक की टीम आएगी अगर वो किसी भी फाइल को देखना चाहे किसी स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देखना चाहे उसकी एक्टिविटीज के बारे में टीचर की एक्टिविटीज के बारे में उसके रिसर्च पेपर के बारे में तो ये जो फाइल आप शेयर करेंगे वो एसेसिबल होनी चाहिए तो यहाँ पे आपने क्लिक किया एनी वन विद द लिंक के ऊपर क्लिक कर दें और यहां पे जाके अब आप देखो कॉपी लिंक आ गया आप इस पर क्लिक करें कॉपी लिंक मैंने कॉपी लिंक कर दिया फिर जो गूगल रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम आपको देते हैं जहां पे हम कहते हैं ना लिंक द पेस्ट तो आप यहां से बेटा इसको कॉपी कर लेते हैं या जो भी टीचर हैं वो यहां से क्या कर लेंगे इसको कॉपी कर लेंगे और कॉपी करके उस गूगल फॉर्म जो आपने खोल रखा होता है साइड बाय साइड आप ले जाके उसको वहां पे क्या करते हैं जस्ट पेस्ट सिर्फ ये पेस्ट करना है लेकिन एक अच्छी चीज हम आपको बता दें कि आप इसकी वजह आप क्या करें देखो दोबारा से देखो ये माई ड्राइव लिखा दिख रहा है आपको इस माई ड्राइव के ऊपर या देखो ये इसके ऊपर आप दोबारा से क्लिक करें माई ड्राइव के ऊपर अब दोबारा से चले गए अपने फोल्डर में हमारे फोल्डर का क्या नाम था देखो मैं यहां पे सर्च आउट करता हूं नेक देखो ये रहा देखो ये रहा मेरा फोल्डर ये नेक देखो ये वाला मेरे पास तो काफी फोल्डर है मान लीजिए इस फोल्डर को मैं शेयर करना चाहता हूं वो किस लिए वो इसीलिए कि जो फोल्डर है जो मैं इसको शेयर करूंगा तो इसका मान लीजिए मैंने कोई लिंक बना दिया वही तरीका इसके ऊपर राइट क्लिक करें उसके ऊपर जाके देखो यहाँ पे गेट लिंक दिख रहा है तो गेट लिंक के ऊपर क्लिक करें फिर उसी टाइप से देखो अभी रेस्ट्रिक्टेड है तो आप रेस्ट्रिक्टेड के ऊपर क्लिक करें यहाँ पे आ गया एनी वन द लिंक आप इसके ऊपर क्लिक करें अब देखो एनी वन द लिंक हो चुका अब इस पे कॉपी लिंक करें अब जो ये फोल्डर है इस पूरे का जो इस फोल्डर के अंदर जो भी कुछ चीजें हैं आपने इसका लिंक क्रिएट कर दिया और इसको जाके गूगल रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पेस्ट कर दें इसका फायदा ये होता है कि आप हमेशा ही एक फोल्डर बनाएं जब भी कभी हम आपको ये कहते हैं कि आप हम हमें कोई फाइल शेयर कर दें तो आप हमेशा उसका फोल्डर बनाएं फोल्डर इसलिए कि मान लीजिए कल को आपके फोल्डर के अंदर जो फाइल है आपने हमें फोल्डर भेज दिया उस फाइल के अंदर कोई गलती रह गई तो आप क्या करेंगे जो फाइल है जैसे आप उसमें कुछ भी चेंज करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा देखो जैसे मान लीजिए दोबारा खोलता मान लीजिए फाइल का लिंक आपने हमें भेजा और उसमें कुछ गलती रह गई तो आपको दोबारा से गूगल रजिस्ट्रेशन फॉर्म खोलना पड़ेगा और क्या पता वो हमने एडिटेबल ना बना रखा हो गूगल रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमने उसके ऊपर ये रेस्ट्रिक्शन डाल रखी हो गूगल रजिस्ट्रेशन फॉर्म में यू कैन फिल इट ओनली वंस तो आप दोबारा से उसको चेंज नहीं कर सकते तो आप हमेशा क्या करें आपको इसमें कुछ भी चेंज करना है मान लो इस वर्ड की फाइल में आप चेंज कर दें और सेव कर दें आपको दोबारा से फॉर्म भरने की जरूरत नहीं क्योंकि आपने हमें फाइल का लिंक नहीं दिया आपने हमें उस उस जो फोल्डर 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 लिंक दिया है उस फोल्डर के के अंदर अंदर आप कुछ भी करते रहे इस मान लीजिए अभी एक फाइल, है, आप इसमें एक फाइल और अपलोड कर दें इसमें दो फाइल और अपलोड कर दें या आप इस फाइल को डिलीट कर दें आप जो भी कुछ एक्टिविटी करेंगे आप करते रहे जो आपका फोल्डर है उसके अंदर अपने आप वो चीज अपडेट होती रहेगी आपको बार बार गूगल रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा तो इसलिए मेरी सलाह आपसे ये है मेरी एडवाइस है ये आपके लिए कि आप जब कभी भी हम कहते हैं कि कोई भी एक्टिविटी कुछ भी जो काम है आप हमसे शेयर करें उसका लिंक शेयर करें तो आप हमेशा ही फोल्डर का लिंक शेयर करें ना कि उस फाइल का ताकि अगर कुछ गलती रह जाए तो आप उस फोल्डर के अंदर उस फाइल में दोबारा जाएं और आप उसको चेंज कर दें क्योंकि हमें क्या करना है कि जो ये भी आपको आपका जो लिंक है गिवन लिंक जब हम इसको गूगल रजिस्ट्रेशन फॉर्म में फिलअप करवा रहे हैं तो आपकी जो गूगल शीट बनेगी उसको हम फर्दर शेयर कर देते हैं नेक कोऑर्डिनेटर को या नेक की जो टीम आएगी उसके सामने हम उसको क्लिक करेंगे मान लीजिए नेक की टीम के आने के अभी मान लीजिए अभी पंद्रह दिन बाकी है एक महीना बाकी है या जितना भी टाइम है तो इन बिटवीन आपका दिल कर गया कि मैं अपनी फाइल को अपडेट कर दूं उसमें कुछ और चेंज कर दूं आपने कुछ अचीवमेंट और ले ली मैं उसके अंदर कर दूं तो आपने तो फोल्डर का लिंक हमें दिया था उस फोल्डर के अंदर कोई भी फाइल को आप अपडेट करना चाहते हैं आप कर दें वो अपने आप ही अपडेट हो जाएगा क्योंकि आपने हमें फोल्डर का लिंक दिया है सो दैट इज द मीनिंग के हाउ टू क्रिएट ए लिंक के लिंक कैसे क्रिएट किया जाता है तो ये बड़ी सिंपल चीज थी ये मैंने भी अपने ही किसी साथी से सीखा था इसको लेकिन काफी जो स्टूडेंट्स हैं उनके फोन आ जाते हैं कि सर हमें लिंक क्रिएट करना नहीं आता सर हम लिंक कैसे क्रिएट करें तो इसलिए मैंने बेसिक सी चीज आपको बताई थी कि आप किस तरह से लिंक को क्रिएट कर सकते हैं तो आज के इस लेक्चर में हमारा सिर्फ इतना ही पर्पज था कि सभी को लिंक क्रिएट करना आ जाए तो आप सिंपली जब भी आपसे गूगल रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवाया जाता है उसके दौरान हमें डिफरेंट डिफरेंट रिफ्रेशर कोर्स डिफरेंट कोर्स ओरिएंटेशन भी हम ऑनलाइन करते हैं तो उसके दौरान भी अक्सर हमसे ये कहा जाता है कि आप एक अपनी की जो फाइल बनाएं उसका एक लिंक पेस्ट कर दें तो लिंक इस टाइप से क्रिएट किया जाता है तो इसकी हमें काफी नीड रहेगी अब हमारे इस नेक की प्रोसेस के दौरान भी तो आप हमेशा ही लिंक को पेस्ट करें हम भी जो फाइल बनाएंगे प्रेजेंटेशन के के दौरान तो उस हमारी फाइल अंदर हमने लिख दिया कि दैट इज द द स्टूडेंट स्टूडेंट ऑफ डाटा डाटा ये का है पिछले बैक ईयर का ये हमारे टीचर्स की प्रोफाइल है एक टीचर सेकेंड थर्ड फोर्थ तो हम एक लिस्ट बना देंगे जैसे फर्स्ट टीचर का नाम सेकंड थर्ड फोर्थ तो उस टीचर के नेम के आगे हम हर टीचर ने जो भी हमें लिंक शेयर किया है हम उस लिंक को वहां पे पेस्ट कर देंगे तो हमें मल्टीपल उसकी फुल फाइल को अपलोड करने की जरूरत नहीं हम जैसे उस टीचर की एक्टिविटीज को हमें शो करना होगा हम उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे जैसे लिंक पे क्लिक करेंगे तो जो लिंक उन्होंने शेयर किया था तो उसका फोल्डर हमारे पास सामने अपने आप खुल जाएगा फिर फोल्डर पे क्लिक करेंगे उसकी फाइल आ जाएंगी फिर फाइल पे क्लिक करेंगे तो उसकी सारी एक्टिविटीज हम देख पाएंगे बड़ी आराम से की बजाय कि हम टीचर हमें बिग फाइल्स दे उनका बड़ा साइज हो तो इतनी सारी फाइल्स इकट्ठी हो कि हम उनको स्टोर कहाँ पे करें तो हर टीचर अपने उस फाइल को अपने अपने गूगल ड्राइव में सेव कर लेगा तो उसी के पास वो सेव रहेगी उसने सिर्फ लिंक हमारे साथ शेयर किया हमने क्लिक किया और उसकी शेयर्ड फाइल के अंदर उसकी जितनी भी एक्टिविटीज थी उसको हमने नेक की टीम के आगे प्रेजेंटेशन के दौरान शो कर दिया तो देट इज द पर्पज ऑफ टूडेज लेक्चर टू नो हाउ कैन वी क्रिएट ए लिंक ऑफ एनी ऑफ दी फाइल And how can we save a file in the Google Drive and create a link? Okay, thank you.